एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय की पार्टी को करना है, कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। उन तीनों ने बैठकर यह तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि तीन लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। देखिए विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है, आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूं। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है, गृह मंत्रालय ही ऐसा है। देखिए ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता, इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय की पार्टी को करना है, कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है, करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं, वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है, कुछ थोड़ा बचा है उसमें वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। देखिये मैंने आज जो पहली सिग्नेचर की है वो हमारा जो मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा का कक्ष है उस कक्ष में एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। पहली साइन वो मैंने की हुई है और यहां पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्षा नेता रहा लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है, इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे, यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी हम तीनों ने बैठकर यह तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कई निर्णय, कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि तीन लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। देखिए विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है, आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूं कि पिछले पूरे साल में हमको जितना एफडीआई मिला उसका 90% एफडीआई 6 महीने में मिल गया, तो आप समझ सकते हो कि कितना इनफ्लो इंडस्ट्री का आ रहा है और जल्दी ही
कुछ इंडस्ट्रीज की घोषणाएं मैं करूंगा मेरी बातचीत अंतिम चरण में, कि जिनको महाराष्ट्र को पाकर, उन इंडस्ट्रीज को पाकर बहुत महाराष्ट्र को खुशी होगी, ऐसी कई इंडस्ट्रीज के साथ मेरी चर्चा अंतिम चरण में। गोवंश हत्या बंदी का कानून हमने पिछले समय मंजूर किया है। हमारे यहाँ पर गोवंश, केवल गाय में गोवंश की हत्या नहीं की जा सकती है, उस कानून को कड़ाई से हम लोग लागू कर रहे हैं। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। पत्रकार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध नहीं है। जो पहला कास्ट सेंसस बिहार में हुआ हमारे समर्थन से ही हुआ है। हमारा हमेशा इतना ही कहना है कि कास्ट सेंसस को वेपनाइज मत करो। कास्ट सेंसस का वेपन के रूप में अगर उपयोग किया तो जो माइक्रो समाज है, संख्या में कम समाज है, विशेष रूप से माइक्रो ओबीसीज है, इनके ऊपर उसका अन्याय हो सकता है। इसलिए कास्ट सेंसस अगर करना है तो उसका पहले क्या हमको उसमें से पाना है ये हमने तय करना चाहिए, उस प्रकार से उसको करना चाहिए। उसको राजनीतिक वेपन बनाने की कोशिश अगर होगी तो समाज में विघटन होगा।